वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ बनीए गुरसिख प्यारा क्विज शो दे अज दे एपीसोड विच साडे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। साडे पिछले हफ्ते दे रोल ओवर कंटेस्टेंट सरदारनी रमनप्रीत कौर जी अज साडे नाल फिर जुड़ रहे हैं। असी उन्हां नूं जी आया कहिंदे हां। सरदारनी रमनप्रीत कौर जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सरदारनी रमनप्रीत कौर जी। सरदारनी रमनप्रीत कौर जी, जेड़े लास्ट वीक चार क्वेश्चन्स के जवाब दे चुके सन, अज साढ़े सामने फिर आउट सीट पर पुज गए हैं। तो इन वास्ते पंजवा क्वेश्चन अज इन्हों की स्क्रीन तैयार। हाउ ओल्ड वास बाबा बुढ़ा जी वैन ही पास्ट अवे। बाबा बुढ़ा जी की जदों उन्होंने अकाल चलाना किया तो की उम्र सी? तुहाडे ऑप्शनस ए 90 ईयरस, बी 100 ईयरस, सी 125 ईयरस, डी 135 ईयरस। 90 साल, 100 साल, 125 साल या 135 साल। आप जी के सामने चारों ऑप्शनस हैं। आप जी का टाइम का ख्याल रखना है। तीन लाइफलाइन आप जी दी जीवित हैं, किधरे भी आप जी को डाउट होए आप जी टाइम जाया किते बगैर लाइफलाइन मेरी एडवाइस है कि जरूर लो। 100% एक्सपर्ट एडवाइस। सरदारनी रमनप्रीत कौर जी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस लई साढ़े नाल अज टोरंटो कैनेडा तो सरदार हरमन सिंह जी जुड़ रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट करांगे कि इस क्वेश्चन का जिहड़ा कि उन्होंने सामने है रमनप्रीत जी नू ठीक एडवाइस करके गेम विच अगे वधाण। सो सरदार हरमन सिंह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रमनप्रीत कौर जी, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी 125 साल है। तुसी फॉर श्योर ऑप्शन सी नाल जा सकते हो। सरदार हरमन सिंह जी का कहना है कि आप जी सी ऑप्शन नाल जा सकते हो, ये ठीक हो सकता है। सो ये हुण डिसीजन आप जी का है कि आप जी इस एक्सपर्ट एडवाइस नू मनना चाहते हो तो असी सी ऑप्शन नू लॉक कर सकते हैं। सी ऑप्शन ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਲੌਗ ਦਿਸ? ਹਾਂਜੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ लेवल 1 द प्राइस विन कराता है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द शो। सो रमनप्रीत कौर जी, आप जी नु बहुत-बहुत मुबारकां एक बारी फिर। कंप्यूटर जी दे रहे हैं। सो आप जी लेवल 2 च प्रवेश कर गए हो। इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल वी कैन प्रोसीड टू लेवल 2। हां जी, ओके। सो लेवल 2 दा पहला क्वेश्चन और गेम दा 6वां क्वेश्चन हुन सरदारनी रमनप्रीत कौर जी ले ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਐਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਸਟ ਸਟਾਰਟਿਡ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬੀ ਨਨਕਾਣਾ, ਸੀ ਚੋਹੜ ਖਾਣਾ ਐਂਡ ਡੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। आप जी केड़ी ऑप्शनल जाना चाहते हो? एक लाइफलाइन आप जी की यूज हो चुकी है, दो लाइफलाइन अजे भी आप जी जीवित हैं और समा आप जी का 60 सैकेंड्स हो गया जेड़ा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो आप जी ने बड़े ध्यान नाल सोच विचार के और समय का ख्याल रखते लाइफलाइन्स इन हैंड का ख्याल रखते हुए आप जी ने जवाब देना है केड़ी जगह गुरु नानक साहब ने लंगर जेड़ा है गुरु का लंगर वो स्टार्ट किया है पहली बारी। आप जी ने टाइम का बहुत ख्याल रखना है, मैं फिर आप जी ने सुचेत करना चाहना। 50-50। कंप्यूटर जी प्लीज़ दो गलत ऑप्शंस रमनप्रीत कौर लई हटाते जान ताकि वो बाकी दो दे विचों चूज़ कर सकन, चोहड़ खाना या डी सुल्तानपुर। हुण आप जी के सामने सी और डी ऑप्शन रह गए हैं, आप जी छेती दे नाल जवाब दे दो प्लीज़। समा जा रहा है आप जी
टाइम इज ओवर, टाइम खत्म हो गया जी, सॉरी। आप जी रहते समय दे विच जवाब नहीं दे सके, इस करके असी माफ़ी चाहवांगे कि असी गेम विच आप जी नूं अगे नहीं ले जा सकांगे। आप जी ने लाइफ लाइन भी यूज़ की और आप जी नूं सुचेत भी किया गया कि टाइम इज़ रनिंग आउट, पर आप जी ने शायद उदे पासे नहीं ख्याल सके। एनी हो, आप जी साढ़े शो विच आए, सानू बहुत खुशी है। पर असी जाण तो पहले ये जानना चाहवांगे कि आप जी किहड़े ऑप्शन नाल जाना चाहते सी। सुल्तानपुर। सुल्तानपुर देखते हाँ, कंप्यूटर जी नूं पुछदे हाँ कि आप जी का यह जवाब ठीक होंदा या नहीं। दिस वॉज इन चोड़खाना जिहड़ा है उत्थे गुरु नानक पातशाह ने पहली बारी गुरु का लंगर स्टार्ट किया है। सो आप जी का ये आंसर गलत ही होंदा अगर आप जी सुल्तानपुर नाल जांदे। पर सानू बहुत खुशी है आप जी मुजफ्फरनगर तो चल के आए और लैवल वन का प्राइज़ अज इतों विन करके जा रहे हो। मैं सदानी रमनप्रीत कौर जी नू प्राइज़ देने लई सरदार हरप्रीत सिंह जी एजुकेशन एंड यूथ विंग दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह आप जी आके ये प्राइज़ दें। असी बड़ी जल्दी अपने अगले कंटेस्टेंट नाल आप जी दे सन्मुख होंदे हाँ। प्लीज़ इस तरह ही बने रहो। थैंक यू सो मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे इस एपीसोड दे विच असी दर्शकों का मुड़ तो स्वागत करते हैं। आज मनुखी कदरां कीमतां दी बहुत ज़्यादा गिरावट आती जा रही है, जिथे समाज के अंदर ऑरफिन हाउस अते बिरध घर यानी कि ओल्ड एज हाउसिस समाज की एक बड़ी वड्डी रिक्वायरमेंट ने, समाज की बड़ी वड्डी लोड़ है, उत्थे समाज के वड्डे एक मत्थे ते लगन वाला कलंक भी है। अज सड़कां दे उत्ते असी बच्चियां नूं जन्म दे के उन्हां दी लाशां नूं सुट रहे, बच्चियां नूं अनाज सुट रहे हैं, और दूसरे पासे पांच बच्चे ते माँ प्यो उन्हां नूं संभालदे ने, लेकिन पांच बच्चियां दे कोलों एक माता पिता नहीं सांभे जा रहे। अज बिरध घरां दे अंदर तादाद बजुर्गां दी वध रही है, अज यतीम घरां दे अंदर बच्चियां दी तादाद वध रही है। ये समाज दे सामने मनुखी कदरां कीमतां का बड़ा वड्डा सवाल असी छड़ रहे हैं। इसका जवाब केवल तो केवल आप जी दे पास है। आओ मिल के समाज नूं, चंगे समाज नूं निर्माण करन दी कोशिश करिए, और उहदा इक्को ते इक रस्ता है अकाल पुरख परम पिता परमात्मा दे नाम नाल जुड़ना, और अपने इतिहास तों सबक लै के चंगे कदमां वास अगे वध सकन, और यही साडा मनोरथ है। आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे इस प्रोग्राम दे राहीं असी समाज वध रहीआं कुरीतियां दे लई आवाज़ चुकीए, तुहाडा ध्यान केंद्रित करिए ताकि समाज दे अंदर आने वाले समय दे अंदर कोई बजुर्ग अपने घर दे अंदर अपने बच्चों दे प्यार तो तरसे ना, कोई बच्चा अपने माता पिता दे प्यार तो तरसे ना। यही साडी कोशिश है। अज दे इस प्रोग्राम दे विच साडे अगले प्रतियोगी हन सरदार इकबाल सिंह जी फरीदाबाद तो। जी आया ने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कृपा करके आप बैठन की कृपालता। साहिब बाल सिंह जी, आप जी नु कैसा लग रहा है इस हॉट सीट पे? मैनू बहुत चंगा लग रहा है, मैं आज स्टेज ते आ, मैनू विश्वास नहीं हो रहा है मैं तुम्हारे सामने बैठा इतने बड़े स्टार दे आगे। नहीं, तुहानू विश्वास करना पड़ेगा, तुसी सचमुच बैठे हो। हाँ जी हाँ जी, विश्वास तो करांगा। बिल्कुल विश्वास करके बैठो। हाँ जी, तुसी बिल्कुल सामने बैठे हो और हॉट सीट पे, और इत्थे आना कोई सौखी गल नहीं है। हाँ जी, जेड़ा भी बंदा इत्थे पहुंचदा है वो काफ़ी स्ट्रगल तो बाद या काफ़ी सारी मेहनत तो बाद इत्थे तक पहुँच पाता है, और मैं तुहानू अपनी टीम वालों जी आया भी कहना, और मैनू कुछ अपने बारे दसन की कोशिश करो। मेरी हॉबी शब्द गाना है, मैनू शब्द गाना बहुत चंगा लगता है। कि मैं शब्द की दो लाइना सुना सकता?
मेरा वैद मेरा वैद गुरु गोविंदा मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम उखद मुख देवे काटे जम की फंदा काटे जम की फंदा मेरा वैद मेरा वैद गुरु गोविंदा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू सर इकबाल सिंह जी। तुसी गुरबाणी का जड़ा ये शब्द गायन किया एक अपने आप के अंदर मनुख मात्र सारी मनुखता एक संदेश दे रहा है कि परमात्मा का नाम किड्डा ऊंचा है किड्डा सच्चा है किड्डा बड़ा है। बहुत वधिया तुसी गायन किया और मैं तो समझदा कि जिथे तुसी इस चीज़ के मान के पात्र हो तुहाडे माता पिता भी इस चीज़ के पात्र ने क्योंकि उन्होंने मेहनत करके तुहानू अपने संस्कारां दे नाल गुरबाणी नाल और अपने परिवार के इन संस्कारों जोड़ के रखे है। बहुत अच्छी गल है तुसी बताई और साढ़े वालों कॉम्पलीमेंट्स जड़े ने साड़ी टीम वालों अपने माता पिता को जरूर कॉम्पलीमेंट्स। थैंक यू। सो आप जी अगर दस दियो तो मैं आप जी रूल दसा ताकि जिस प्रतियोगिता वास्ते इतने आए हो कॉम्पीटिशन वास्ते उस आरंभ किया जाए। इस दे विचकार तुहानू 13 प्रश्न पूछे जाने हैं और 13 प्रश्न जड़े ने तीन हिस्सों वंडे हुए हैं जिदे विच पहले लैवल दे विच 5 प्रश्न दूसरे लैवल च 5 प्रश्न और तीसरे लैवल दे अंदर जड़े ने 3 प्रश्न। हाँ जी। और पहले लैवल दे उत्ते 45 सेकेंड दूसरे ते 60 सेकेंड तीसरे लैवल दे उत्ते जाके समय की सीमा समाप्त हो जाएगी। हाँ जी। और तुहाडियां 3 लाइफलाइन तुहाडे कोल ने एक हैगी है फ्लिप द क्वेश्चन एक है 50-50 एक एक्सपर्ट एडवाइस। सो तुसी तीनों लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हो और एक मैं तुहानू रिक्वेस्ट करांगा यूजली जिहड़े भी लोग हॉट सीट ते बैठदे ने वह लाइफलाइन बचा के रखते हैं लेकिन लाइफलाइन बचाने की कोशिश ना करना जिथे तुहानू थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो गए जिथे थोड़ा जा भी तुहानू ये लगे कि तुहानू ये सवाल के अंदर कितने कोई कमी पेशी है तो तुसी अपनी जिहड़ी लाइफलाइन हैगी है इहनू इस्तेमाल जरूर करना और ताकि तुसी इस प्रतियोगिता दे विच अग्गे बने रहो। हाँ जी। सो साहिब इकबाल सिंह जी असी ये प्रश्नों की जो लड़ी है इसको प्रारंभ करिए। यस प्लीज। सो मैं कंप्यूटर जी को बेनती करांगा कि सर इकबाल सिंह जी जिहड़े कि फरीदाबाद तो आए ने उन्होंने इस प्रतियोगिता का पहला प्रश्न दिता जाए। हु डू सिक्स कॉल गॉड थोड़ी ऑप्शनस ने ए साहिब बी वाहेगुरु सी एवरी इंटेलीजेंट परसन डी एनीथिंग विच यू कांट सी। इट्स बी। बी लॉक करता जाए। हाँ जी। कंप्यूटर जी इकबाल सिंह जी कहते ऑप्शन बी नू लॉक किया जाए। तुहाडे कोल लाइफलाइन भी सन तुसी कुछ इस्तेमाल नहीं किया और पहला ही प्रश्न तुसी बड़ा ठीक उत्तर देता। वेरी राइट आंसर। बहुत वधिया के परमात्मा नू सिख जड़े है जिन्हों वाहेगुरु दे संबोधन दे नाल जड़ा है वे सत्कार देंदे ने मान देंदे ने वाहेगुरु करके संबोधन करते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो इस लैवल का अगला प्रश्न मैं बेनती करांगा कंप्यूटर जी नू कि आप जी नू अगला प्रश्न दिता जाए। वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कछहरा इन सिखिज़म। कछहरा शब्द समझ रहे हो ना। हाँ जी। उसका सिग्निफिकेंस सिखिज्म च की है। तुहाड़ी ऑप्शनस ने कंट्रोल लस्ट बी फीलिंग ऑफ डिग्निटी सी रिनाउंस वर्ल्डली प्लेयर्स डी ऑल ऑफ दीज। इट्स मैनू तो डी लग रहा है। तुम डी लग रहा है ऑल ऑफ दीज। इट्स लॉक किया जाए। हाँ जी। सो कंप्यूटर जी इकबाल सिंह जी कहते ने डी इज राइट आंसर। जरा कछहरा जड़ा है वो एक सिख दे जीवन का किस तरह हिस्सा है और की उसका सिग्निफिकेंस है ये जड़िया 3 ऑप्शनस ने और चौथी ऑप्शन जी कर रही है कि सारिया चीज़ा ने यह बिल्कुल ठीक आंसर है और तुसी इस प्रतियोगिता के अंदर बड़े अच्छे तरीके नाल अगे वध रहे हो और एक गल याद रखना कि इस गेम विच तुसी किते भी लाइफ लाइन लैन लग्या बिल्कुल भी गुरेज ना करना।
ठीक है? हाँ जी हाँ जी। मेरा गुरेज का शब्द समझ रहे हो ना? यस ऑफ कोर्स। डोंट हेजिटेट, हेजिटेशन ना फील करना। नो नो नो। अच्छा खेलोगे। थैंक यू। तो कंप्यूटर जी अगला प्रश्न देता जाओ। हाउ गुरु नानक ट्रांसफॉर्म्ड सज्जन ठग टू भाई सज्जन। ये साखी सुनी है ना कि सज्जन ठग नू गुरु नानक साहिब जी ने किवें भाई सज्जन दे तौर दे उते जड़ा है उहदा परिवर्तन कीता, उहदे जीवन ते जड़ा ट्रांसफॉर्म कीता है। तुहाडियां ऑप्शनस ने बाई प्रेजिंग हिम, बाई कन्विंसिंग हिम दैट गॉड नोज ईच एवरी एक्ट ऑफ अस, बाई गिविंग हिम सरोपा, बाई नॉमीनेटिंग हिम एज लीडर ऑफ ग्रुप। ये चार ऑप्शन तुहाडे सामने ने, ए चो कि ऑप्शन तुसीं ठीक समझदे हो? उहदी तारीफ कीती उहनूं रब बारे, उहदे रब ने दस्सिया कि रब हर एक गल दे बारे तुहाडी जानकारी रखदा है, और या उहनूं सरोपा ओह दित्ता या उन्होंने लीडर थाप दिता। मैं एक्सपर्ट एडवाइस नाल जाना, एक्सपर्ट एडवाइस नाल। कंप्यूटर जी एक्सपर्ट एडवाइस नाल सरकबाल सिंह जी जाना चाहते ने। तो आज एक्सपर्ट एडवाइस वास्ते साडे नाल सरदार त्रिलोचन सिंह जी जेडे के राज्यसभा के सबका मैंबर ने और मिनोरिटी कमीशन ऑफ इंडिया के सबका चेयरमैन रहे ने। बहुत बहुत धन्यवाद और जी आया सर त्रिलोचन सिंह जी। सर इकबाल सिंह जी हॉट सीट पर बैठे ने, और सर इकबाल सिंह जी के सामने जोड़ा प्रश्न है वो थोड़े को भी प्रश्न है सामने, वो दिया ऑप्शन सामने ने, और ये चाहते हैं कि आप इन्हों मदद करो कि ये किड़े उत्तर दे नाल जान ताकि ये इस प्रतियोगिता अगे बढ़ सक। गुरु नानक साहब की कमाल ये सी कि वट एवर ही डिड, उस रब सी गुरु का, लेकिन सारिया साखियाँ पढ़ो, सारे उपदेश पढ़ो, वो ट्रांसफॉर्मेशन करते सन इंसान की, तो उन्हों आर्गूमेंट नाल कन्विंस कराते सन। सिद्ध गोष्ठ गुरु महाराज का बहुत बड़ा एक वर्ल्ड पहला एक एपीसोड है कि जिथे गुरु नानक ने कहा कि दुनिया की जो गल है वह डायलाग नाल हो गई। तो सज्जन सी ठग, वो रोज़ लोगों लुटदा सी। सो गुरु नानक ने बजाए क्या कि उन्होंने रैसट करके जेल च पाओ कि भाई उन्होंने कोई सज़ा दो, उन्होंने कहा वाई नाइट कन्विंस हिम कि तू ये जो कर रहे हैं माड़ा है, ये ठीक हो। सो ऑप्शन बी विच ये है कि गुरु नानक साहब ने इसनू मोड़िया, मोड़ के कन्विंशन करा के उन्होंने एक चंगा इंसान बनाया, तो उ सज्जन ठग लोगों का सहाई बनया, लोगों का दोस्त बनया, तो अपनी जिंदगी में वो चंगे जीवन के काम करता रहा। सरदार त्रिलोचन सिंह जी सिख कौम की बड़ी बड़ी परसनैलिटी ने, और इन्होंने सिख कौम के बहुत सारे मसले देश की पार्लीमेंट के अंदर चुके ने, और इन्हां दी राय है कि तुहानूं ऑप्शन बी नाल जाना चाहिए है। फैसला तुहाडा है कि तुसीं बी नाल जाना चाहते हो कि नहीं, जे जाना चाहते हो तो लॉक किया जाए, लॉक किया जाए ऑप्शन बी नूं। तो कंप्यूटर जी सरदार इकबाल सिंह जी ऑप्शन बी, बाई कन्विंसिंग हिम दैट गॉड नोज ईच एवरी एक्ट ऑफ अस दे नाल जाना चाहते ने, कृपा करके लॉक किया जाए और दसिया जाए कि ये ठीक उत्तर है कि नहीं। इट्स अ राइट आंसर। सर त्रिलोचन सिंह जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं सर इकबाल सिंह जी नूं इस प्रतियोगिता दे विच अगे वधन दा मौका दिता है, और थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है। सानूं इस तरह ही आस है कि तुसीं निरंतर सिख कौम की सेवा करते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तुहाडा कि मैनू इस मौका दिता है। मैं तो यही अरदास करदा कि इहो जिहे प्रोग्राम होर भी होण, हर जगह होण, दुनिया भर में बच्चों नू बहुत लोड़ एजुकेट करन दी, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे अजकल दे युग में जो कर रहे हो, गुरु तुहाडे ते बख्श करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। सो तीन लाइफ लाइन के विचों सर इकबाल सिंह जी तुसीं एक लाइफ लाइन नू इस्तेमाल कीता, और तीन प्रश्नों के उत्तर तुसीं दे दिए, और इस प्रश्न की लड़ी नू जारी रखदिया होया मैं बेनती करांगा कंप्यूटर जी नू वो अगला प्रश्न आप जी नू दे। वट डज दमदमा मीन? दमदमा जिहड़ा शब्द है इहदा की अर्थ है? तुहाडियां ऑप्शन ने ए सरोवर, बी जिम, सी रेस्टिंग प्लेस, डी ढोल। इट सी रेस्टिंग प्लेस। रेस्टिंग प्लेस लॉक किया जाए? हाँ जी। कंप्यूटर जी सर इकबाल सिंह जी ऑप्शन सी लॉक करना चाहते ने, कृपा करके दसो
कि ठीक उत्तर है कि नहीं। इस तो पहला कि ये देखिए कि सरदार इकबाल सिंह जी ने उत्तर ठीक दिता कि नहीं दिता। असी लेंदे हाँ एक छोटा जा ब्रेक और इस ब्रेक तो बाद जल्दी मिलांगे तुहानू। इस ब्रेक में आप जी नू एक ऑडियंस क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस ऑडियंस क्वेश्चन का आप आंसर घर बैठे ही आप दे सकते हो और इसका उत्तर दोगे तो इस दे विच आप जी नू इनामात जड़े ने वो भेजे जाएंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर जड़ा है वो अगले हफ्ते साढ़े इस प्रोग्राम से दिता जाएगा। सो सरदार इकबाल सिंह जी के नाल असी फिर बने रहेंगे और एक छोटी जी ब्रेक तो बाद फिर तो मिलते हैं। आओ बनिए गुरसिख प्यारा। विच अमृतधारी सिख किड वॉज अलाउड टू प्ले हॉकी विद हिज किरपान इन कैनेडा? तुहाड़ियां ऑप्शनस ने चरणप्रीत सिंह, शनवीर सिंह, गुरदेव सिंह, सिमर सिंह। आप अपने जवाब SMS, WhatsApp, ईमेल या फेसबुक पर भेज सकते हो। सही उत्तर भेजन वाले इनाम भेजे जाएंगे और इसका सही उत्तर अगले हफ्ते के प्रोग्राम विच आप जी नूं दस्या जाएगा। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। वेलकम बैक। आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे इस एपीसोड दे विच ब्रेक तो बाद तुहाडा मुड़ तो स्वागत है। असी ब्रेक तो पहला सरदार इकबाल सिंह जी जिहड़े कि फरीदाबाद तो आए ने उन्हां नाल आओ बनिए गुरसिख प्यारा दा एक कॉम्पीटिशन खेल रहे हैं और सरदार इकबाल सिंह जी ने अजे तक चार प्रश्न खेले ने और चौथे प्रश्न का उत्तर जिहड़ा है वह असी पेंडिंग रखिया सी कि ये दसांगे ब्रेक तो बाद कि इन्होंने उत्तर ठीक दिता सी कि गलत। शायद ये अरदास करन लग पए ने। तुहाडा उत्तर बिल्कुल ठीक है, तुसी बहुत अच्छा खेलते पए हो। दमदमा शब्द जड़ा है रेस्टिंग प्लेस की गल कीती गई है, बिल्कुल ठीक है शब्द आप जी नूं। तो अगला प्रश्न है विच सिख हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू डिप्टी लीडर ऑफ NDP पार्टी इन ओंटेरियो कैनेडा? तुहाड़ियां ऑप्शनस ने सरदार जगमीत सिंह, सरदार दीप सिंह, सरदार टिम उपल, रतनदीप सिंह। ओंटेरियो कैनेडा दे विच NDP पार्टी दे डिप्टी लीडर नवे जड़े चुने गए ने वो सिख ने, इन्हां विचों केड़ियां ऑप्शन दे विचों केड़ा है? 50-50 लेना चाहुंदा। 50-50 तो कंप्यूटर जी सर इकबाल सिंह जी 50-50 लाइफलाइन लेना चाहते हैं। दो चीज़ा हटाती गई ने थोड़े सामने, दो ए और डी। मैनू डी लग रहा है। लग रहा की गल नहीं, समा दौड़ रहा है, टाइम आउट हो जाएगा, फिर तुसी इस तो बाहर हो जाओगे। डी रतनदीप सिंह। डी नू लॉक किया जाए जी। तुसी लाइफलाइन ली भी, 50-50 किया भी और 50-50 करन तो बाद भी उसी आंसर ठीक नहीं दे पाए। सरदार इकबाल सिंह जी, केवल मैं तुहानू इतनी गल दसना चाहवागा कि तुसी अच्छा खेले सी और मैनू लगता सी कि तुसी इनाम भी जीत के जाओगे, लेकिन तुसी इस प्रश्न ते आके ये इनाम नहीं जीत पाए। लेकिन मैं इतनी तुहानू गल दसना चाहवागा कि अज कैनेडा दे पोलिटिकल सिनेरियो दे विच सिखां दी बहुत वड्डी एक उत्थे देन हो चुकी है, वो एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उत्थे उभर चुके ने। उन्होंने पिछले लगभग 100 साल के अंदर कैनेडा की राजनीति के विचकार अपना बड़ा बड़ा योगदान पाया और योगदान पाने का नतीजा है कि अज वो राजनीतिक शक्ति का रूप लै चुके हैं और कई जगह के उत्ते मैंबर पार्लीमेंट, मेयर, कारपोरेशन या होर जड़ियां भी उन्होंने सरकारी पदवियां ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਅਰਦਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਐਨੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਓਵਰ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਅਚੀਵਰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੀ ਦਿਨ ਇਸੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸੀ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ। Thank you.